इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, चैप्टर एट। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स, इसके कुछ थियोरम्स हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। इन सब की प्रॉपर्टीज आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी है, क्लास एट में, सेवेंथ में। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको इसका फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1। सो लेट्स स्टार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, इन अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन है। और सेकेंडली इसमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल, इसके दो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी एंड दे आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी। व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें गिवन है। अब हमको इसमें एक और चीज एडिशनल कंडीशन गिवन है, वो है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो अगर इसके डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल कैसे होगा। नाउ इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो एक रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सेम जैसे कि पैरेललोग्राम में होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल के ईच एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वेयर एज पैरेललोग्राम के एंगल्स डिफरेंट होते हैं, दे आर नॉट इक्वल और दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमको बेसिकली क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है। व्हाई, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है और एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो वो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे, वो है ईच एंगल इज 90 डिग्री। सो आई हैव रिटन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल बी बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी बी सी, अब आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट AB is equal to CD, AB is equal to CD. क्यों equal है? Because they are opposite sides of a parallelogram. तो इसका हमको reason लिखना पड़ेगा, opposite sides of parallelogram. Secondly, यहाँ पर BD is equal to AC हमारे पास given है question में, तो हम ये लिख सकते हैं AC is equal to BD, ये कहाँ से आया? It is given in the question. और थर्ड जो है वो है BC, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो BC is equal to BC और इसका रीजन होगा कॉमन। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ABC एंड BDC, दोनों ट्रायंगल में हमें तीन साइड्स इक्वल मिल गए हैं, तो इसीलिए ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल DCB by SSS congruency। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी से लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी पी। तो एंगल बी और सी हमने इक्वल ले लिया है, लेट इट टेक इक्वेशन नंबर 1। नाउ क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो एंगल बी और सी हमारा इक्वल आया है, तो हम रिप्लेस करेंगे एंगल सी को एंगल बी से, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज 180 डिग्री, दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू 180 बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू हमें 90 डिग्री मिला, एंगल सी इक्वल है एंगल बी
एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए एंगल बी भी 90 डिग्री होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हेंस एंगल ए भी 90 डिग्री हो गया। तो ईच एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो इन दिस वे वी प्रूव दैट If in a parallelogram, diagonals are equal, then it is rectangle. Next question है, question number 3 NCERT book, exercise 8.1 का. Question क्या है? Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. तो एक quadrilateral है, इसके diagonals bisect कर रहे हैं each other. Bisect each other का मतलब क्या होता है? ये दोनों diagonals एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे हैं एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी गिवन है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी ये भी गिवन है। तो ये हमारे पास गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल मतलब जहां पर ये टकरा रहे हैं वहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री है। एंगल ए ओ डी सी ओ डी ए ओ बी एंड बी ओ सी ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। और सेकेंडली हमारे पास गिवन है AO is equal to OC and OB is equal to OD. What we have to prove is we have to prove that the given figure, the given quadrilateral is a rhombus. अब इसको प्रूव करना है ये rhombus है, तो rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके all the sides, यानी कि adjacent sides are equal. सभी sides, चारों sides आपस में equal होते हैं, इसको हम बोलते हैं adjacent sides are equal. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? आप याद रखिए, जब भी आपको एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करना हो तब आप ये छोटे वाले एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को, जैसे एओबी और बीओसी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम बीओसी और सीओडी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, या इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल। एडजेसेंट ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? दो ट्रायंगल्स जो जुड़े हुए हैं, जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो एडजेसेंट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, मतलब इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अस से ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल गिवन है हमारे पास? फर्स्ट है AO is equal to OC, ये कहाँ से आया है? ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। सेकेंड है OB is common, इन दोनों ट्रायंगल में OB common है, ओके, OB is equal to OB, that is common। और नेक्स्ट होगा इसमें एंगल AOB और एंगल BOC, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंगल AOB is equal to एंगल BOC और इसका रीजन हम डालेंगे बोथ 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में हमें तीन पार्ट्स इक्वल मिल गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज AO is equal to OC, सेकेंड पार्ट इज BO which is common and third part is angle AOB and angle BOC. So side, angle side, SAS से ये दोनों triangle congruent proof हो गया। Triangle AOB is congruent to triangle BOC by SAS congruency. Now अब क्योंकि ये दोनों triangle congruent है तो simplicity से इसके सारे corresponding parts equal हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AB is equal to BC. तो AB is equal to BC by CPCT. सिंपलिसिटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आप छोटे क्लासेस में पढ़े हैं। It is corresponding parts of congruent triangles. मतलब जब भी आप दो ट्रायंगल को congruent प्रूफ कर लेते हो तो उसके बाद आप उसके कोई भी corresponding पार्ट को इक्वल लिख सकते हो और उसका हम रीजन बोलेंगे सिंपलिसिटी, दैट इज corresponding पार्ट्स ऑफ congruent ट्रायंगल्स। तो हमने प्रूव कर दिया AB is equal to BC. सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं BC is equal to CD. अब आपको हर एक को अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने एक पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिया है फिर आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली
Similarly, BC is equal to CD and then AD is equal to CD and AB is equal to AD. ठीक है, तो इसके adjacent sides equal आ गए, that means इसके चारों sides equal है और इसीलिए ये rhombus हुआ. Next ये question है, question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and they bisect each other at right angle, then it is a square. मतलब एक quadrilateral given है और हमारे पास given है कि इसके diagonals equal है. First thing हमारे पास given है कि diagonals equal है, that is AC is equal to BD. सेकेंडली हमारे पास गिवन है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर यानी अभी मैंने आपको बताया AO इज इक्वल टू OC गिवन है और OB इज इक्वल टू OD गिवन है. और थर्डली हमारे पास गिवन है दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब यहाँ जो एंगल्स बने हैं ये चारों एंगल्स 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास गिवन है. AOD, COD, BOC, AOB ये चारों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास गिवन है. मतलब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हो एंड इफ दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्क्वायर. तो ये हमको प्रूफ करना है. अब हमको प्रूफ करना है कि ये फिगर है स्क्वायर. स्क्वायर हम कैसे प्रूफ करेंगे? स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें दो बातें प्रूफ करनी पड़ेगी, दो चीजें. पहला तो ये कि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए, मतलब हमको ऑल द साइड्स आर इक्वल ये प्रूफ करना पड़ेगा पहला. और दूसरा उसका ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना होगा. ये दो चीजें हम प्रूफ करेंगे तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है. तो हाउ विल वी प्रूफ, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहिए. तो यहाँ पर हम ये एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सेम वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC. इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एक तो OB कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OB इज इक्वल टू OB बिकॉज इट इज कॉमन. और दूसरा AO is equal to OC, ये हमारे पास गिवन है. तो सेकेंड होगा इसका AO is equal to OC because it is given. और जो तीसरा है वो है एंगल AOB is equal to एंगल BOC. एंगल AOB is equal to एंगल BOC. ये सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है. इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री. अब हमको तीन चीजें इक्वल मिल गई हैं तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB is congruent to ट्रायंगल COB. और इसका रीजन क्या होगा, SAS से, SAS कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल congruent प्रूव हो गया. और सिंप्लिसिटी से हम क्या लेंगे, AB is equal to BC. तो AB और BC इक्वल आ गया सिंप्लिसिटी से. और सिमिलरली चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगे. यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिमिलरली ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड दैट इज इक्वल टू AD. तो हमारा एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल आ गया. अब हमको प्रूफ करना है उसका ईच एंगल 90 डिग्री है. उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको एंगल इक्वल प्रूफ करना हो तो आप क्या करोगे, ये वाला ट्रायंगल लोगे जिसमें बेस है हमारा ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा BBC से. ये वाला ट्रायंगल जो ये दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है BC, सेम बेस BC पर ये दो ट्रायंगल्स बने, ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. यानी कि आपको लिखना होगा सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC. इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है, सबसे पहला तो इसमें BC कॉमन है. BC is equal to BC which is common. और सेकेंडली इसमें हमारे पास गिवन है AC is equal to BD. आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम लिखेंगे AC is equal to BD और इसका रीजन होगा गिवन. और जो थर्ड पार्ट है उसका वो ये होगा AB is equal to CD because वो हमने अभी अभी यहाँ पर प्रूफ
दिया है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो हम उसको हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, और इसका हम लिखेंगे रीजन प्रूफ अबव, हमने अभी प्रूफ किया है। तो तीन पार्ट्स हमें इससे इक्वल मिल गए, तो अब हम लिख सकते हैं द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी बाय ABC is congruent to DCB होगा, इसका नेमिंग प्रॉपर होना चाहिए DCB, और कौन सी congruency लगेगी यहाँ पर SSS लगेगी, because तीन sides के equal है, first side ये हो गया, second side ये हो गया, और तीसरा side इसका diameter हो गया, okay? तो SS को S congruency से ये दोनों triangle congruent हो गया, और अब हम CPCT से क्या लेंगे? इसके angles equal ले लेंगे, that is angle B is equal to angle C by CPCT. तो अब क्योंकि angles equal आ गए हैं, अब हम उनको 90 degree कैसे proof करेंगे? 90 degree proof करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? Angle B और angle C. इसमें आप लिख सकते हो कि similarly चारों angles equal आ गए. Angle B is equal to angle C आया, similarly angle C is equal to angle D आएगा, then angle D is equal to angle A आएगा, मतलब चारों angles आपको equal मिल जाएंगे, और चारों angles का sum 360 degree होता है, ये property है quadrilateral की, तो वहां से आपको मिल जाएगा each angle 90 degree. So in this way we can prove that in a quadrilateral if the diagonals are equal and they bisect each other at right angle, that means it is a square. ये next question है जिसमें हमारे पास given है inner rhombus ABCD, मतलब given है कि ये जो figure है ये एक rhombus है, ये हमारे पास given है. Secondly इसमें बोल रहे हैं कि AC bisects angle A as well as angle C. जो diagonal है AC वो angle A को भी bisect कर रहा है. Bisect कर रहा है मतलब angle को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है, और इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये भी गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है. व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज़ वेल एज़ एंगल D. अब हमको ये प्रूव करना है कि अगर किसी रोम्बस में एक डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा डायगोनल है BD वो एंगल B और एंगल D उनको भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब हमको प्रूफ करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. तो हाउ वी विल प्रूफ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन देखो आपके यहां एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल प्रूफ करना है और 7 और 8 को प्रूफ करना है, तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल BCD, ये जो दो ट्रायंगल है अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दे congruent, तो फिर हम प्रूफ कर सकते हैं कि 6 is equal to 5 and 7 is equal to 8. तो देखते हैं पहले हमारे पास वो conditions है या नहीं है. Yes है, ये देखो इसमें हमारे पास क्या given है कि ये rhombus है, तो rhombus में क्या होता है उसके adjacent sides equal होते हैं, मतलब चारों sides equal होते हैं, तो हम पहले ले लेते हैं in triangle ABD and triangle CBD, okay? Triangle ABD ये वाला triangle है और triangle BCD ये वाला triangle है, इन दोनों triangle को हम congruent proof करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या क्या given है, एक तो इसमें BD is equal to BD हम लिखेंगे जो कि common है, okay? दूसरा AB is equal to BC हम लिख सकते हैं because ये rhombus है, इसके adjacent sides equal होते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB is equal to BC and also AD is equal to CD. AD is equal to CD भी होगा, इन दोनों का reason क्या होगा, adjacent sides of rhombus, okay, adjacent sides of rhombus है ये, इसीलिए ये equal है. Therefore, the two triangles are congruent. Triangle ABD is congruent to triangle CBD by SSS congruency. SSS से आप देख सकते हो एक ये वाला triangle और दूसरा ये वाला triangle. ये दो triangles हैं जो कि congruent.
इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला साइड जो है वो इससे इक्वल है, ये वाला साइड इससे इक्वल है, और ये वाला साइड कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपलिसिटी से हम क्या लेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये हमने प्रूव कर दिया बाय सिंपलिसिटी। तो हेंस जो हमें चाहिए था वो मिल गया। इसमें आप एक चीज हमेशा याद रखें, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो क्या होता है कि कौन सा एंगल किससे इक्वल लेना है और कौन सा साइड किससे इक्वल लेना है। देखिए ये रोम्बस है, इसके चारों साइड इक्वल है, आप चाहते हैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ए बी इज इक्वल टू बी सी भी ले सकते थे, ये दोनों एडजेसेंट साइड को, सॉरी हमने ए बी इक्वल टू बी सी ही लिया है, आप उसको अपोजिट साइड भी इक्वल ले सकते थे, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी भी हम ले सकते थे और ए बी इज इक्वल टू बी सी भी ले सकते थे, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल ले सकते थे, लेकिन हमने लिया क्या है एडजेसेंट साइड। क्यों, अपने ऐसे मन से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि जब हमको ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल प्रूफ करना हो तब हम एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेंगे, और जब आपको ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ करना हो, मतलब अगर आपको 6 इक्वल टू 8 और 7 इक्वल टू 5 ऐसे आमने सामने अगर आपको एडजेसेंट एंगल्स प्रूफ करना होगा तब आप अपोजिट साइड्स इक्वल लेंगे। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, जब भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं तब वो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एडजेसेंट साइड्स जब हम इक्वल लेंगे तब आपका ये एडजेसेंट एंगल इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमें एडजेसेंट एंगल को इक्वल प्रूफ करना था, इसलिए हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल लिया यहाँ पे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इन दिस वे मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। आने वाले वीडियो में यानी कि कल मैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।